सिंह परिदा का क्वेश्चन है कि सर अभी जो पेमेंट प्रोसीजर आएगा वो हमारे खुद का आएगा या थर्ड पार्टी का होगा? देखिए इसमें वी डोंट नो एज ऑफ नाउ कि हमारा खुद का होगा या थर्ड पार्टी का होगा, बट जो भी आएगा उसको सारे को पहले अच्छे तरीके से टेस्ट करके और सारा कुछ करके ही आ रहा है। ओके, सो अभी इसमें हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये बात मिस्टर एश ने भी नहीं बताई है। ओके, कि हमारा आएगा या थर्ड का है, सो लेट्स नॉट गो इनटू दिस कि किसका आएगा। वो जो कंपनी को जो भी अच्छा है, मतलब कि उन्होंने जो अब बाकायदा होमवर्क किया है उसके पीछे, तो वो हमारे लिए लाने वाले हैं। राइट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या यस सर, थैंक यू। तुहिन मजुंदर का एक सवाल है, सर सर प्लीज अपडेट अबाउट 18 अप्रैल, थैंक यू सो मच दिलन सर। क्या चीज, आवाज कट गई थी आपकी? जी जी सर, प्लीज अपडेट अबाउट 18 अप्रैल, जो 18 अप्रैल डेट दी है ना सर कल सर ने, 18 अप्रैल, थैंक यू सो मच दिलन सर। नहीं ऐसा 18 अप्रैल वाली कोई डेट नहीं है, पहली बात तो ये। आई डोंट नो किस सिलसिले में ऐश ने बोला, आई डोंट नो उसके बारे में। राइट, तो वी डोंट नो, मैं उसके क्योंकि मैंने सुना नहीं। ओके, तो अप्रैल 18 को एक्चुअली नोट्स में कहा गया है कि अप्रैल 18 यू विल सी इनक्रेडिबल अपडेट्स एंड वी विल कीप एडिंग, बस। ओके, सो वेट फॉर 18 अप्रैल तक क्या क्या होते हैं अपडेट्स जो आ रहे हैं, आई थिंक उसी सिलसिले में मुझे लग रहा है। या ओके, हमारे बीच में मनमोहन सर जी का हैंड रेज है, सर प्लीज आइए ब्रदर, आपका स्वागत है सर। मनमोहन सर जी, हेलो जी सर, वेलकम। संगीता? यस सर, एब्सोल्युटली सर। हेलो हेलो जी सर, आपकी आवाज, यस सर यू आर क्लियर सर, कंटिन्यू। थैंक यू संगीता फॉर कॉलिंग मी। मैं सिर्फ इसमें यही बोलना था कि हमारे जो डिलन सर हैं, हमारे जो मेंटर हैं, ये जितनी पेशेंस इनमें है, कूट कूट के भरी हुई इनमें पेशेंस, ये फाउंडर्स को समझाते रहते हैं किस तरीके चलो, किस तरीके करो, किस तरीके करो, बट फिर भी लोग नहीं समझते हैं। बट आई डू नॉट नो व्हाई पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड आवर ग्रेट मेंटर तिलक सर। ही इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, नीरज दलवी एंड गुजविंदर सिंह आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब इन दिस वन पैसिफिक टीम चैंपियन वेबिनार, स्पेशली क्वेश्चन आंसर में आके पूरी डिटेल्स देनी, सब कुछ देना, ये बहुत बड़ी बात है। इट इज वन ऑफ द, इट इज वन ऑफ हिज, आई से हैट्स ऑफ टू हिम एंड ए ग्रेट सैल्यूट टू हिम, ही इज डूइंग डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन फॉर्म चैंपियन। मेरा तिलन सर, तुहानू दिलों इतना शुक्र करता मैं तुहाडे, असीं तुहाडे नाल हाँ। अज पंजाबी बोलन लगा थोड़े जिहा, कदी इंग्लिश बोल पैंदा कदी पंजाबी बोलदा, ते दिलों तुहानू बहुत प्यार करदे हां असीं सारे जो है, पॉजिटिव बंदे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, नेगेटिव बंदे भी तुम्हें प्यार करेंगे, द डे इज गोइंग टू कम व्हेन दे विल आल्सो लव एंड गिव यू ऑल द अफेक्शन फॉर व्हाट यू हैव डन इन ऑन मैसेज। थैंक यू संगीता, मैं इसके ऊपर और एक चीज और बोलना था, आज मैंने पहली बार ये ओक कनेक्ट की मीटिंग मोबाइल पर ज्वाइन की हुई है, सो इस मोबाइल में जब पहले मैं मोबाइल पर ज्वाइन करता था इतनी ग्लिचेस आती थी, इतना वो घूमता रहता था, बट आज इस टाइम मेरे को डेढ़ एक घंटे से ऊपर हो गया है व्हेन आई एम इन द मीटिंग एंड देयर इज नॉट ए सिंगल ग्लिच इन इट। सो जिलन सर कहते हैं कि 90% ओकनेट रेडी हो गया है, मैं कहता हूँ 99% हो गया है, 1% जो अभी बाकी रह गया वो भी जल्दी हो जाएगा। थैंक यू जिलन सर, लव यू एंड रियली रिस्पेक्ट यू फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट। आप डेटा पे हो या वाईफाई पे हो? मैं इस टाइम वाईफाई पर हूँ सर। ओके, थैंक यू मनमोहन सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। आप भी बहुत पॉजिटिव रहते हो मुझे मालूम है, एंड इसीलिए हम सब पॉजिटिव हैं कि इतने सारे लोग पॉजिटिव हैं, तो व्हाई नॉट, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी होप है बेसिकली ऑन पैसिव सबके लिए, यही एक आखिरी ऑप्शन है सबके लिए,
ओके, तो इसलिए इसको इतने प्यार से भी बनाया जा रहा है मिस्टर ऐश के द्वारा कि अगर ये इतनी बड़ी होप है और इतने इतने लाखों लोग इसमें अगर यहाँ पे जुड़ के और इतने सालों से जुड़े हुए हैं, जो कि मिस्टर ऐश को भी मालूम है सारी बात है कि ऐसे ऐसे और किसी बिजनेस में नहीं होता है। ओके, विदाउट मनी या विदाउट बेनिफिट लोग भाग जाते हैं छोड़ के बहुत सारी चीजें, बट यहाँ पे ऑन पैसे में आए हैं लोग, बेनिफिट के लिए आए थे बट अभी बेनिफिट नहीं आए, बट स्टिल द पीपल आर हियर, स्टिल लोग यहाँ पे, क्यों? क्योंकि लोगों को एक ट्रू बिजनेस दिख रहा है, लोगों को एक ट्रू मायने में एक रेवोल्यूशनरी कुछ चीज दिख रही है जो कि हो रही है बेसिकली, इसलिए वो होप है ना जो जो उस लेवल की है, इसलिए लोग यहाँ से भागते नहीं है, इसलिए लोग यहाँ से मतलब आज की डेट में मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि सर कोई आईडी पड़ी हुई तो प्लीज दे दो, मतलब कि बहुत सारी कॉल्स आती हैं आज की डेट में भी, राइट, बट अब आईडीज नहीं है, सोचिए। So, इसलिए ये जो इतनी बड़ी होप है बेसिकली, जो कि और कहीं नहीं है, किसी ने आज तक होप नहीं दी है, और अगर होप दी भी हुआ तो वो लोग दे के भाग गए, बट यहाँ पे वो चीजें लोगों के सामने हो रही हैं, अगर दे भी लग रही है स्टिल पीपल लोग यहाँ पे हैं उस विश्वास के साथ कि नहीं नहीं होगा तो होगा, ये होना ही है। ओके, डिले चाहे है या उसमें लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ चैलेंजेस हैं, तो बट स्टिल लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो ये बात एग्जैक्टली मिस्टर ऐश को मालूम है, क्योंकि ऐश भी इसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के, उनको मालूम है कि लोग कैसे इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, बट यहाँ पे लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं, यहाँ पे उधर ही खड़े हुए हैं सारे के सारे लोग, इवन के नेगेटिव लोग हैं वो भी इधर ही खड़े हुए हैं, राइट, उनके आईडीज लगी हैं, वो नेगेटिव बोलते हैं बहुत सारा कुछ, बट वो जाते कहीं नहीं है, राइट, तो क्यों? क्योंकि यही होप है बेसिकली, इसके आगे कुछ भी नहीं, किसी इंडस्ट्री ने, किसी मिलेनियर ने, बिलेनियर ने, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में किसी को होप दी ही नहीं कि यस हम आपके लिए काम करने वाले हैं, भाई साहब ऐसा कोई भी नहीं कह रहा, कोई भी नहीं कह रहा आज तक, इसलिए इतनी बड़ी होप है। कितने मिलेनियर्स और कितने बिजनेस है इंडिया में, सोचिए, राइट, वो पॉलिटिकल पार्टी को तो फालतू में पैसा दे रहे हैं बट आपके लिए भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, करोड़ों रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं, बट आपको वही बिजनेसमैन, वही बिलेनियर्स आपको एक 5 पैसे तक का कंसेशन नहीं दे रहे अपनी चीजों में, अपने प्रोडक्ट्स में, सोचिए कितने बिलेनियर्स हैं, ओके, जो जो कि चंदा दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ओके, और उन्हीं बिलेनियर्स के कितने प्रोडक्ट्स आप लोग यूज कर रहे हो, सोचिए, बहुत सारे, आप ही यूजर हो, बट आप यूजर को एक 5 पैसे तक का धेले का इनका वो नहीं है, वो किनके लिए? उनके लिए जो ऊपर बैठे हो, जस्ट वही अमीर हो, वही सब कुछ हो, वही मजा लो और बाकी जनता को पागल बनाओ, राइट, आपको आपके किसी भी चीज को ये नहीं बोला जा रहा कि ओके ये आप हमारा नहीं, कोई नहीं कह रहा, तो ये ऑन पैसे भी है जो कि इतनी बड़ी होप के साथ सारी दुनिया में आ रही है विद प्रोडक्ट्स विद एवरीथिंग, तो इसीलिए आई थिंक वो एक जो होप है, इसलिए हम सब लोग रुके हैं, मिस्टर ऐश को ये अच्छी तरीके से मालूम है ये सारी की सारी बातें, राइट, इसीलिए वो इसको सिस्टम को उस लेवल के उस फुल प्रूफ सिस्टम बना रहे हैं, और डेफिनेटली फुल प्रूफ और लीगल जब सिस्टम बना रहा होता है उसको टाइम लगता है क्योंकि मार्केट जहां से वो चीजें होके आनी है वो इस सिस्टम्स के लिए रेडी नहीं थी, और जहां से अप्रूवल्स और ये सारा कुछ, बट वो अब वो धीरे धीरे उनको मालूम चलने लग गया कि नहीं भाई साहब ये जो कंपनी है रुकने वालों में है, ये भागने वालों में से नहीं है, इनको हमने डरा भी लिया, इनको बहुत कुछ हमने कर लिया, बट ये लोग कमिटेड लोग हैं, मिस्टर ऐश कमिटेड हैं, ये उस लेवल के लोग हैं जो कि भागेंगे नहीं, यहाँ पे अपलिफ्टमेंट है तो यस डेफिनेटली अपलिफ्ट करके ही छोड़ेंगे, तो इसलिए वो सारी चीजें धीरे धीरे उस सिस्टम में हो रही है सारी, तो ये बात है। एनीवेज थैंक यू सो मच सर। ऐसे हमारे और एक बहुत ही पॉजिटिव फाउंडर ने एक मैसेज डाले है सर, सर आई एम फ्रॉम आईटी, आई नो द प्रॉब्लम बट सो मैनी फाउंडर्स डोंट नो, सो आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम, वॉट आई हैव टू डू, आई डोंट नो, दे आर फाइटिंग विद मी ऑलवेज, प्लीज आंसर सर। अमरजीत सिंह का सवाल है सर। देखिए फाउंडर्स आपसे फाइटिंग क्यों कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ लग रही, ओके, या तो आपने उनको कुछ गलत होप दी है या वो अपडेट नहीं है,
जो फाउंडर्स आपसे लड़ते हैं, राइट, तो उनको प्लीज आप कहिए कि यहाँ पे कंपनी खड़ी हुई है, यहाँ पे फाउंडर्स भी खड़े हुए हैं, यहाँ पे कंपनी आपके लिए सारा कुछ वो करने के लिए, अगर वो अपडेटेड रहेंगे थोड़े से, वो आपके ऊपर डिपेंड ना हो, क्योंकि आप बिजनेस नहीं हो, कंपनी बिजनेस है, कंपनी उनके लिए बिजनेस लेके आ रही है, तो उनकी उनको उनको कहिए कि ठीक है आप आपके थ्रू वो आए थे, ठीक है आप उनके ब्लेसर हो, बट यहाँ पे ब्लेसर का मतलब वो किसी पीटी एमएलएम वाले स्पॉन्सर नहीं आए यहाँ पे कि वही जिम्मेदार है यहाँ पे हर एक चीज का, या वो तू मुझे लाया था तो मैं तो तुझे ही मानूंगा, या तो उसको मत मानिए, उसको समझाइए, या जो लोग सुन भी रहे हैं या जो लोग अपने ब्लेसर को तंग करते हैं, ओके, तो प्लीज यहाँ पे कंपनी खड़ी हुई है, कंपनी भागी नहीं है, ओके, जैसे पिछली बार I think we have lost again. Okay, sir is there? Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दिलन सर. सर हमारे बीच में है, but okay, सर को फोन आया होगा. Okay, ऐसे जी सर आ गए. सवाल लीजिए, नहीं तो जी जी सर, नीरज सर ऐसे ही सर, अभी जो सर ने वही एक्सप्लेन कर रहे थे दिलन सर कि हम कंपनी नहीं है, उनको एंगेज रखना बहुत जरूरी है. वैसे एक सवाल है सर, इसके लिए मैं अभी ले रही हूँ, रामदास पाटिल का सवाल है सर, प्लीज अरेंज फॉर पेंडिंग विड्रॉवल एज सून एज पॉसिबल. यही आंसर बता सकता, और क्या बताऊं, अरेंज वो तो ऐसा डेफिनेटली वो देना चाहते हैं तो वो अरेंज कर रहे हैं. ओके, थैंक यू सो मच सर. नो साउंड, नो साउंड. पुष्पिंदर सर ने एक माइनर इमेज. ओके, और कोई सवाल? या व्हाट विल बी नेक्स्ट, ओ वेरीफाई और पेंडिंग विड्रॉवल विल बी पेड, फॉर दैट यू नीड टू अटेंड द वेबिनार. ओके, थैंक यू सो मच सर. मेरे सॉरी, आई एम सॉरी, आपको स्ट्रेट अवे आंसर्स नहीं मिलेंगे. मेरा डायरेक्शन यही रहेगा कि आप बैक ऑफिस में जाओ, अपडेट्स देखो, और ये मेरे को अंतर ध्यान नहीं होने वाला कि नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा आएगा, क्योंकि ऐश हमेशा सरप्राइजेस लाते हैं, इसलिए मैं कुछ ऐसा कमिट नहीं सकता कि ओके ये वो वेरीफाई आएगा या ये आएगा. डेफिनेटली वो जो अपडेट्स आएंगे तभी आपको पता चलेगा. बेकार यार, कुछ लोग सुंदर कर ले लिया.